तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी का पेपर हुआ है, हिंदी में जिसको आप भूगोल भी बोलते हैं, इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस आए गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप उनका आंसर दे सकते थे, क्या आपका आंसर सही हो सकता था, ठीक है। और मेरे पास जो पेपर आया है वो इस सेट का आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट नंबर 2 है, कोड वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर सामान्य निर्देश आपने पढ़ा ही होगा। हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि की विशेषता की पहचान आपको करनी है। मिश्रित कृषि, देखिए मिश्रित कृषि के अंदर आपका खेती भी होता है और पशुपालन भी होता है, ठीक है, दोनों को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फसल उत्पादन एवं पशुपालन का समान महत्व दिया जाता है आपका मिश्रित कृषि के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो आज तक का हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। सीबीएसई ने हमें कोई भी आंसर की यहाँ पर नहीं भेजा है, ठीक है। तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो जाए, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी आप जो है आपको लगता है कि सर इसका ऑप्शन ये सही हो सकता है, इसका ऑप्शन ये सही हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको ये भी लगता है, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से 110% दूंगा आप। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है। आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा संगठन, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है क्वेश्चन को, लेकिन आंसर बिल्कुल सिंपल ही है आपका। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो भी हमने आपको सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से डिट्टो क्वेश्चन आपके छप करके आ गए हैं, रिपीट हो गए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके नीचे चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी फुटकर व्यापार की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जहां तक लगता है मुझे बच्चे ने भी सही किया है कि अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के लिए नियम प्रतिष्ठानों से में संपन्न होता है, तो ये हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता क्या, यही होगा आपका, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। और वही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका आया हुआ है इंग्लिश मीडियम में, वही आपका आंसर रहेगा, मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप की अगर मैं बात करूं तो सूचनाओं का उत्पादन जो होता है आपका वो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस में रोजगार पाते हैं। तो तृतीयक क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। हो सकता नहीं, होएगा ही, मैं बार बार ये भी बोल देता हूँ, हो सकता है मतलब वही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक अलाभ करके, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर सातवां निम्नलिखित उपागमों में से किसको मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित यहाँ पर अर्थशास्त्रियों में से किसने 1990 में मानव विकास सूचकांक जो है निर्मित किया। तो यहाँ पर देखिए डाउट था मुझे एक, तो यहाँ पर बच्चे ने लगाया है डॉक्टर महबूब उल हक, और मुझे जो है यहाँ पर आपका ये अमर्त्य सेन जो है आपका, ये अमर्त्य सेन कह रहा हूँ सॉरी, आपका एलएनसी सैंपल जो है इसमें, इन दोनों में डाउट है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन नगर का एक उदाहरण। तो मध्यकालीन नगर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप आगरा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलें तो यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में आए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही आपका इंग्लिश में वही आंसर रहेगा, टिक लगा सकते हैं। दसवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित आयोग में से किस आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है बच्चों। उसके आगे चले अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जोड़ा दे रखा है, ये आपको सही एकदम चयन करके बताना है। तो प्रशासनिक नगर जो है वो भोपाल, यहाँ पर ये आपका मैचिंग आई थिंक ये हो सकता है आपका, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर है तो यह अधिसूचित जनजाति क्षेत्र नहीं है, बी आपका करेक्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो
तो यह नहर पंजाब में हरीका बांध से निकलती है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको मिलान करना था तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। उसके आगे चले तो यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में आई हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसके आगे चले तो यहाँ पर आपका केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आ रखा है, झाबुआ जिले के मध्य प्रदेश के अति पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र से स्थित, मतलब क्षेत्र में अवस्थित, इस तरह से करके आपका एक केस स्टडी दे रखा है, ये आप पूरा देख सकते हैं। और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है कि झाबुआ के जनजातीय समुदाय के लोगों ने गरीबी के कारण कष्ट क्यों झेले, उस विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर निरक्षरता हो सकता है, वैसे ही आपको केस स्टडी जो दे रखा होता है ना उसको आपको रीड करके पूरा का पूरा यहाँ पर समझना होता है और जो आंसर होगा आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपका एक केस स्टडी आपको सॉल्व करना था। इसके आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर अब सीधा आ गए हैं 18वें और 19वें क्वेश्चन के अंदर। ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये सोर्स आपको दे दिया है 18वें क्वेश्चन में और इसको पढ़ करके आंसर आपको देना है। सोर्स में पहला क्वेश्चन क्या है कि परिवहन की उपयोगिता की व्याख्या आपको करनी है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या मायने रखता है। तो देखिए अगर परिवहन होगा तो जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं उनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर इन वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुंचाया जाता है, उपभोक्ताओं तक उपलब्ध करवाया जाता है परिवहन के जरिए, ठीक है। मान लीजिए एक जो सेब है वो कहीं पर उग रहा है, मान लीजिए कश्मीर में उग रहा है, कश्मीर से दिल्ली कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा परिवहन है वो मेजर रोल प्ले करता है। अगला है संचार शब्द को परिभाषित करना है, तो इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो इसी तरह से ज्यादा टफ भी आपका पेपर नहीं आया था, बस थोड़ा सा घुमाने का प्रयास आपका किया गया था। 19वें क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था इस तरह से आपको एक डायग्राम या मैप की सहायता से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले देशों के ऊपर ये दे रखा है, ठीक है, भारत चीन इस तरह से करके। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उसका आंसर आपको देना है। नीचे चले तो यही इंग्लिश मीडियम में है और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि सबसे सघन जनसंख्या वाले देश का नाम आपको लिखना है। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे सघन जनसंख्या देश कौन सा है, तो यहाँ पर चीन की बात हो रही है, ठीक है। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर कि चित्र में एशिया महाद्वीप के कुल कितने देशों को दर्शाया गया है। तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आ जाते हैं बच्चों, एशिया में आप ले लेंगे चाइना आपका कहीं ना कहीं आ जाता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन हाँ चाइना आ जाएगा आपका, इंडिया आ जाएगा, चाइना आएगा बच्चों, ठीक है। इधर से करके लगभग यहाँ पर ये सारे देशों को बताया गया है। और इसके आगे चले अगला है हमारे यहाँ पर, एशिया में भू आकृति किस प्रकार जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिख देना था आंसर, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। इसके नीचे दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी है उनके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक। इसके अंदर आपको तीन तीन नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी हिसाब से आंसर आपको लिखना था यहाँ पर, ठीक है। 100 से 120 शब्दों के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का, कह लीजिए 20वां क्वेश्चन, कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझाना है, इस कथन की पुष्टि आपको करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बस घुमा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको मानव भूगोल के बारे में बताना है कि मानव भूगोल होता क्या है और उसकी थोड़ी सी बातें बता देंगे, डेफिनेशन वगैरह बता देंगे, इजिली आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन था हमारा कि शोध एवं विकास जो है कि विकासमान युक्ति के द्वारा प्रौद्योगिकी नवाचार आधुनिक विनिर्माण के महत्वपूर्ण पहलू है, इस कथन का आपको विश्लेषण करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब रिसर्च वगैरह होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे की डेवलपमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पर चॉइस में कि अगर वो वाला नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं। काफी कहूंगा मैं मॉडरेट सा पेपर रहा है, जो बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मॉडरेट बोलूंगा मैं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस आपके इजी है बस उसको घुमा दिया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन के आंसर इजी है बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे जो मैंने डिटो आपको दे रखे हैं, जैसे कि आधुनिक समय में जो आपका व्यापार होता है विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आपको व्यापार के संदर्भ में बातें बता देनी थी और विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा सा बात कर देंगे, इजीली आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। इसके आगे है यहाँ पर भारत में जो है कि उपलब्धता या उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक कृषि और आपका घरेलू निस्तारणों से प्रदूषित हो रहे हैं, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। यानी भारत के अंदर जो जल संसाधन है वो कैसे पॉल्यूट होते जा रहे हैं, प्रदूषण उनमें फैलता जा रहा है, वो आपको बता देना था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल
लेवल को निकालते जा रहे हैं, जिस कारण से यहाँ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण में फसलीकरण को संभव बनाती है, इस कथन को न्याय संगत आपको ठहराना है। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर जो सिंचाई की व्यवस्था है यहाँ पर वो बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी जो है फसलों को उगाया जा सकता है, काइंड ऑफ इस तरह से कह सकते हैं, तो उस तरह से करके आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, और वहां सिंचाई की व्यवस्था को किया जा सकता है, आपको यहाँ पर अपने हिसाब से आंसर लिख देना था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग आ गए हैं 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर। इसमें ये क्वेश्चन है कि पर्वतीय और गर्म मरुस्थली क्षेत्रों में विश्व सड़क परिवहन के सम्मुख प्रमुख जो आपका समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं उनकी विवेचना करनी है। तो जो आपका सड़क परिवहन है, जहां पर मान लीजिए रेगिस्तान वाला एरिया जो होता है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ रेगिस्तान है, वहां पर जो आपका सड़क परिवहन होता है, साथ ही साथ जो पहाड़ वाले एरिया में सड़क परिवहन होता है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती है। तो देखिए, रोड बनाने में बहुत दिक्कत आता है, वहां पर जो गाड़ियां होती है उनको चलने में बहुत दिक्कत आता है, तो इस तरह से करके आपको बना करके लिख देना था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में रेल परिवहन के प्रमुख लाभों की विवेचना कीजिए। डिट्टो मैंने आपको ये दे रखा है रेल परिवहन के बारे में। देखिए, रेल से क्या हो सकता है, हम लोग सामान को बहुत लंबी दूरी तक हम लोग ढो करके ले जा सकते हैं, कम खर्च में ले जा सकते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोयला वगैरह जो ढोया जाता है वो सब रेलवे के थ्रू ही ढोया जाता है। ठीक है, रेलवे क्या होता है, आपका माल के साथ यात्रियों को भी ढोने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों के प्रभावों का आपको विश्लेषण करना है। यानी दुनिया में जो जनसंख्या रहती है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है वैसे सेम टू सेम, दुनिया में जो जनसंख्या रहती है वो क्यों रहती है, भौगोलिक कारक आपको बताना है कि कहीं पे कम जनसंख्या है, कहीं पे ज्यादा जनसंख्या है। तो देखिए, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या रहती है, अलग अलग इसके कारक आप लिख सकते थे। जैसे कि आपका यहाँ भौगोलिक कारकों की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लिख सकते थे उच्चावत जमीन, जलवायु, इस तरह से करके उनको एक्सप्लेन आप कर सकते थे। अगला है, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक और सामाजिक कारकों का आपको विश्लेषण करना है। तो यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक रूप से बात कर देंगे कि जनसंख्या एक स्थान पर क्यों नहीं रहना चाहती है, दूसरे स्थान पर रहना चाहती है, तो वहां पर आपका राजनीतिक परिदृश्य आ जाएगा, इस तरह से करके आप आंसर लिख सकते थे। ठीक है, उसके आगे चले तो अगला है 1901 से लेकर 1921 तक और 1921 से 1951 की अवधि के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न पहलुओं को आपको यहाँ पर उजागर करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपका इस साल तो शायद नहीं करवाया था, इसे पिछले साल मैंने आपको करवाया था। वैसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रखा है इस साल के अंदर। ठीक है, इसमें देखिए 1901 से लेकर के 1921 तक की बात करें तो उस टाइम पे जनसंख्या जो है वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी, क्योंकि जितने बच्चे पैदा हो रहे थे उतने मर भी रहे थे। और 1921 से 1951 तक क्या हुआ, जनसंख्या में विस्फोट हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी उस टाइम पे। 27वां क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर कि भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप की परख कीजिए। ठीक है, यानी कि भारत के अगर आयात की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका स्वरूप किस प्रकार से बदल रहा है, एक बार मैं इसका इंग्लिश में देखूं 27वां क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर है आपका एग्जामिनी द जो है सो की चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया इम्पोर्ट। तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है आपका ये। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका भारत के अंदर जो चीजें आयात होती थी उसका स्वरूप किस प्रकार से बदलता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग ज्यादातर चीजों को दुनिया से आयात करते थे, अपने देश में मंगाते थे, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मोदी जी की बात याद है ना आपको, आत्मनिर्भर बनो, तो हम लोग आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, कई सारी चीजों को अब हम लोग खुद ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन कि भारतीय कृषि की किन्हीं 5 प्रमुख समस्याओं की आपको व्याख्या करनी है। डिट्टो मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है, इसका आंसर मैं आपको ये देख रहे हैं आप यहाँ पर मैंने आपको डिट्टो ये क्वेश्चन करवा रखा है कि कृषि में भारतीय किसानों के सामने कौन सी समस्याएं आती है। तो देखिए, अनियमित मानसून की समस्या आती है, कम उत्पादन हो गया, वित्तीय संसाधनों और ऋणग्रस्तता की बाधाएं आती है, भूमि सुधार का अभाव देखने को मिलता है, व्यावसायीकरण का अभाव देखने को मिलता है, विशाल बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो इस तरह से करके आपको आंसर लिखना था बच्चों। इनको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन कर देना था, बेसिकली आपको नंबर मिल जाएगा इजीली, और यही क्वेश्चन का आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर। अब हम लोग आ गए हैं आपका खंड घ के अंदर, सेक्शन डी के अंदर। इसके अंदर मैप वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, 29वां और 30वां क्वेश्चन, वही मैप आए हैं जो मैंने आपको करवाए थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि एशिया का अंतरराष्ट्रीय वायु पतन, ये सब मैंने आपको करवा रखा है। मैप वाला वीडियो आप देखेंगे वहां पर सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे बच्चों। ये सारे के सारे जो मैप हमसे पूछे गए सारा मैंने आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया वाला मैप भी मैंने आपको करवाया था कल। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है, मैंने आपको करवा रखा था। उच्चतम नगरीय स्तर वाला जो आपका राज्य है, ठीक है, वो आपका गोवा है।
जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है ये जहां तक है आपका पश्चिम बंगाल ही होना चाहिए, ठीक है। कोरापुट बॉक्साइट की खान उड़ीसा, झरिया कोयला खान कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका देखने को मिलेगा झारखंड के अंदर, ठीक है। मंगलूर जो आपका समुद्री पत्तन है वो इस तरह से, पंजाब में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन तो वो आपको अमृतसर इस तरह से लगाना था, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना मैप का आंसर कंप्लीट कर सकते थे। और यही था आपका जियो का पेपर। ओवरऑल में अगर बात करूँ ना, आपका जियोग्राफी का पेपर मॉडरेट आया था, बस क्वेश्चन को क्या किया था टीचर ने थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया था। अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो आपका पेपर अच्छा ही गया। बच्चों यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने एनालिसिस आपका कर दिया, ठीक है, एक तरह से कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने आपको बता दिए जितना मेरे से हो पाया। बाकी देखिए कई सारे बच्चे बोलते हैं सर सेट वन का आंसर बताइए, सेट थ्री का बताइए, सेट फोर का बताइए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर पहले नंबर पे आ जाता है उसका आंसर हम आपको बता देते हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चन पेपर है उनका आंसर कि आपको यूट्यूब पे तो वैसे देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या फोकस करते हैं, हम लोग अगले सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। जैसे कि आपका जियो का पेपर हो गया, हो सकता है आपका अगला पेपर फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, उसका अगला पेपर आपका इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, तो उस पर फोकस कीजिए। आपका जियो का पेपर जैसा गया उस पर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले पेपर को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी आने वाला भविष्य आप बदल सकते हैं, लेकिन जो बीत गया उस पे ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।